सीआईएसएफ मुख्यालय के निर्देश पर शुक्रवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एनके एरिया और पिपरवार यूनिट के द्वारा अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम के साथ धरना प्रदर्शन विषय पर एक मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में सीआईएसएफ उप कमांडेंट मृत्युंजय स्वामी डी के नेतृत्व में अग्निशमन दल, सीसीएल मेडिकल टीम, एसआईएसएफ खलारी थाना, सीसीएल सिक्योरिटी टीम के सदस्य शामिल हुए। सीआईएसएफ उप कमांडेंट मृत्युंजय स्वामी डी ने बताया कि क्षेत्र विशेष में होने वाले खतरों और आपदाओं आदि से समुचित तौर पर निपटने के लिए सीआईएसएफ मुख्यालय के निर्देश पर नियमित तौर पर मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया जाता है ताकि भावी खतरों और प्रतिकूल परिस्थितियों पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण पाने के लिए हर समय तैयार रहा जा सके। मॉक ड्रिल में सभी टीम के लोगों का काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। सीआईएसएफ यूनिट सीसीएल इनके पेपरवार की तरफ से मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। इसमें सीआईएसएफ के साथ झारखंड पुलिस, एसआईएसएफ, हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और इत्यादि भाग लिया। सक्सेसफुल रहा मॉक ड्रिल। हम जो भी अपकमिंग सिचुएशंस है उसके मुताबिक हम करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसा सिचुएशन आते ही हम कैसे विद इन नो टाइम हम कैसे रिएक्ट कर सकें और सक्सेस हो जाए। यहाँ पे हमारा बल सदस्य ऑलरेडी बेसिक ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड कोर्स करके आते हैं, आए हुए हैं। उनको रिफ्रेश करना, अपग्रेड करना और उसका कैपेसिटी को पहचानना ज़रूरत रहता है। उसी हिसाब से हम ऐसे मॉक ड्रिल वगैरह करवा के रेडी रखते हैं हर एक टास्क के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए हमारा टीम को हम रेडी हालत में रखते हैं। तो इससे जहाँ हम तैनात होते हैं, सीआईएसएफ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर काफ़ी पीएसयूज का, गवर्नमेंट एजेंसीज का भरोसा है। उस भरोसा को बरकरार रखने के लिए हमेशा सीआईएसएफ खुद को अपग्रेड करते रहता है। ये मॉक ड्रिल के हिसाब से वही आज का एक मकसद था, जो टॉपिक था आज का, वो धड़ा प्रदर्शन, कैसे मॉक को कंट्रोल किया जाएगा, अलग अलग तरीके से कैसा, किस लेवल पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसी हिसाब से हमने किया था। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। सारे एजेंसीज, जितना एजेंसीज भाग लिया है, अपना फुल प्रूफ 100% कैपेसिटी इन्होंने दर्शाया है, इसलिए सक्सेस है। जब ऐसा सिचुएशन आएगा डेफिनेटली हमारा टीम मौके पे काबिल रहेगा।